हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.7। आज इसका क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोलता है, कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर। तो इस तरह का कोई गड्ढा है नीचे की साइड, इसमें बोलता है कि इसका टॉप का जो डायमीटर है वो है 3.5 मीटर और गहराई मतलब इसकी हाइट ही होगी वो, तो वो है 12 मीटर का। स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें डायमीटर को। तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी किलोलीटर में, तो क्योंकि मीटर में दे रखा तो पहले मीटर क्यूब में निकालेंगे फिर इसको किलोलीटर में चेंज कर देंगे। तो जो यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस है वो हो जाएगा डायमीटर का आधा, डायमीटर है 3.5 और इसका आधा 3.5/2 डिवाइड हो के आएगा 1.75 मीटर। हाइट हमें इधर रखिए 12 मीटर की, तो जो वॉल्यूम हो जाएगा इसका, वॉल्यूम ऑफ पिट वो लग जाएगा इसमें फॉर्मूला कोन का ही 1/3 πr²h, तो 1/3 π 22/7 और r हमने निकाला था 1.75, तो इसका स्क्वायर मतलब 1.75 × 1.75 × h। और अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 3/4 = 12 ही हो गया, और यहाँ पे इसको डिवाइड करने पे आएगा 3.14। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 38.5 m³। तो अब देखिए इसको किलोलीटर में चेंज करना है, तो किलोलीटर का मतलब है 1000 लीटर, तो 1 m³ जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। तो इसका मतलब हो गया 1 m³ जो है 1 किलोलीटर के बराबर होगा, क्योंकि 1 किलोलीटर में 1000 लीटर होते हैं, तो ये मीटर क्यूब में ही है। तो अगर किलोलीटर में इसको चेंज करेंगे तो किलोलीटर भी इतना ही हो जाएगा, तो ये होगा 38.5 किलोलीटर ही ये आंसर हमारा है। तो बस इतना सही था इसमें। आप अगर आपका भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ये एक दो बार वीडियो को देखना समझ आ जाएगा। किसी और क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको हमारी प्रीमियम क्लासेस को ज्वाइन करना है तो नीचे सब्सक्राइब के पास आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।